हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं, व्हाट्सएप से ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है फोटोस या वीडियोस, उसको ऑफ कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं उसको ऑफ कैसे किया जाता है, व्हाट्सएप से जो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है उसको ऑफ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर आना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सेटिंग्स, उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद स्टोरेज एंड डाटा उस पर क्लिक करना है दोस्तों। सिंपली दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देख रहे होंगे दोस्तों मीडिया ऑटो डाउनलोड, इसके नीचे यहाँ दिख रहे होंगे व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा दोस्तों, उसको सिंपली ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों देख रहे होंगे फोटोज पे टिक लगा हुआ है, ऑडियो पे टिक लगा हुआ है, उसके बाद वीडियो डॉक्यूमेंट पे टिक लगा हुआ है। सिंपली दोस्तों इस टिक को यहाँ से हटा देना है, चलिए मैं हटा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वैन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, इस पर भी दोस्तों क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से भी हटा लेना है, जैसे कि आपका कोई वाईफाई कनेक्ट किए तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा व्हाट्सएप से फ़ोटो या वीडियो या कोई भी ऑडियो, तो इसको भी सिंपली दोस्तों अनटिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका व्हाट्सएप से डाउनलोड होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों चैनल न्यू है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए।